हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मुनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 3 के बारे में, यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है सीबीटी 2 के रिजल्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट जो आपको होने वाला है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी कैसे इंक्रीज होगी, टाइपिंग के अंदर आपका एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और टाइपिंग की जो आपकी स्पीड है वो कितनी मांगी गई है और आपकी अगर कितनी स्पीड है तो आप वहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि टाइपिंग के लिए आपको जो है अपनी हाथ से, यानी कि आप अपने हाथ से अपनी उंगलियों को चलाकर ही स्पीड निकालनी होगी। अगर आप उंगलियों को धीमे चलाते हैं तो आपकी स्पीड कम आएगी। टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि 5 मिनट के अंदर स्पीड 500 वर्ड पर मिनट करिए, 5 मिनट के अंदर 100 वर्ड पर मिनट करिए, तो ऐसा कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है टाइपिंग के अंदर। टाइपिंग के अंदर वही है, जितनी ज़्यादा तेज आपकी उंगलियां चलेंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड आएगी वर्ड पर मिनट। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रही टाइपिंग के बाद। अगर आपने टाइपिंग आप जानते हैं और आपका जो है टाइपिंग की स्पीड 25-30 है तो क्या आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे? देखिए, अगर आपकी स्पीड 28-30-35 है तो आप हो सकता है कि फाइनल के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट को पास ना कर पाए, क्योंकि जो RRB का जो फॉर्मूला है वो आपकी जो मिस्टेक्स होंगी, जैसे कि अगर आपने 320 वर्ड काउंट किए हैं लिखे हैं और उसके अंदर से आपकी 5% अगर देख लिया जाए तो 16 आपकी गलतियां को माफ कर दिया जाएगा। अगर आपकी मान लीजिए 19 गलतियां हुई हैं तो 3 जो गलतियां हैं आपकी उसको 10 गुना कर दिया जाएगा, यानी कि 3 को 30 कर दिया जाएगा। और फिर जो आपके राइट वर्ड होंगे जो आपने लिखे होंगे उनमें से -30 को करके जितना आपका टाइम ड्यूरेशन है टाइपिंग का, यानी कि 10, उससे उसको डिवाइड किया जाएगा, उससे फिर आपकी जो है एक्चुअल स्पीड निकल कर आएगी। तो इस हिसाब से जब आपके एरर को 10 गुना कर दिया जाएगा तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली बात है कि कम हो जाएगी। तो इसलिए आपकी अगर 25-30-35 स्पीड है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये आप मान लीजिए। अगर आपकी स्पीड 40 है लेकिन आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, एक्यूरेसी आपकी 90 से कम है, यानी 85, 82, 88 है, तो भी आप जो है टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस नहीं रहती है तो जो RRB NTPC का जो फॉर्मूला है टाइपिंग टेस्ट को स्पीड कैलकुलेशन का, उसके अंदर आपकी स्पीड जो है जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी घटेगी वैसे वैसे आपकी स्पीड भी कम होती चली जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका एरर जो है वो 10 गुना काउंट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये RRB के जो नोटिफिकेशन से है उसी से मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इसका जो प्रोसेस क्या है, यानी देखिए NTPC का और SSC का लेवल जो रहेगा वो सेम सा ही रहेगा। इसके अंदर आपको ज़्यादा नंबरिंग नहीं मिलेंगी, ज़्यादा कॉलम कोमा डॉट वगैरह नहीं मिलेंगे, सिंपल एक पैराग्राफ होगा जो आपको टाइप करना होगा। लेकिन जैसे आप अपने टाइपिंग ऐप पर टाइप करते हैं किसी चीज़ को और आपके गलत पर नीचे रेड आ जाता है या वो रेड हो जाता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो भी हाईलाइट ना हो, एक पैराग्राफ ही हो, उस पर आपको ध्यान रखते हुए उस वर्ड को लिखना हो और उसके आगे भी आपको ही ध्यान रखना होगा, यानी कि कोई भी कर्सर आपका हाईलाइटेड नहीं होगा और बैक स्पेस तो आपका काम करेगा ही नहीं, आप सभी को पता है।
तो बैक स्पेस के काम ना करने की वजह से ही जो एक्यूरेसी है आपकी, जाहिर सी बात है कि घट जाएगी। तो अगर आपकी स्पीड कम है तो आप अपनी स्पीड को ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वहाँ पर आपकी 35-35 आ जाएगी, 30 से ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं है अभी तो आपको करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। टाइपिंग से रिलेटेड मैंने आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो इस वीडियो में ले ली हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है टाइपिंग से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप किस सॉफ्टवेयर से या किस प्लेटफॉर्म से जो है टाइपिंग की तैयारी करें। धन्यवाद।